अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के शिशियापाड़ा में देर रात एक सफाई कर्मचारी की मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह होते ही क्षेत्रीय लोगों ने सड़क जाम कर काफी देर तक हंगामा काटा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वह लोग शांत नहीं बैठेंगे। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया गया। 27 वर्षीय शिशियापाड़ा निवासी युवक दीपू नगर निगम में सेवारत था। परिवार में दो भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। 1 दिसंबर को उसके बड़े भाई की शादी हुई। सुबह दुल्हन विदा होकर घर आई, इसके थोड़े ही देर बाद दीपू अपने भाई से कहीं घूमने जाने की बात कहकर चला गया। वह फिर वापस नहीं लौटा। 2 दिन तक वापस न आने पर व मोबाइल बंद होने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दीपू की खोज लगातार जारी थी और पुलिस सर्विलांस की मदद से कुछ नंबरों पर काम कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक का शव गांधी पार्क थाना क्षेत्र के कमालपुर के पास नाले में पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने फोटो में कपड़ों के आधार पर दीपू के परिवार को बुलाया तो परिवार ने उसे दीपू के शव के रूप में पहचान लिया। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज जब उसका शव पोस्टमार्टम से आने वाला ही था तो उससे पहले ही परिजनों ने शिशियापाड़ा पर रोड जाम कर दिया। परिजनों का कहना था कि जो एक महिला है उसने ही भाई की हत्या की है। मृतक की मां लगातार रो रो कर गुहार लगा रही थी कि उसके बेटे की हत्या का खुलासा हो। पुलिस प्रशासन ने भी परिजनों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। 1 तारीख को मेरी शादी थी, 1 तारीख को मेरी विदाई होके आया है। मेरा भाई खुशी राजी होकर, कोई घर कोई कलेश नहीं, कोई बाज नहीं, कुछ नहीं। मम्मी को हिसाब दे के ये कह गए थे शाम को कि भैया मैं घूमने जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा 2 तारीख तक। उसके बाद से कोई शराख नहीं। मैंने जब 2 तारीख के बाद थोड़ा सा फ़ोन वोन लगाया भाई को तो स्विच ऑफ आ रहा। उसके बाद रात कट गई मेरी। फिर 3 तारीख को सुबह जाके थाना गांधी पार्क में मैंने गुमशुदगी की तहरीर लिखा दी। तभी से अब तक बस आज मेरे को भाई की डेड बॉडी मिली है। कहाँ पर मिली है ये? मिली है कमालपुर रेटा चुंगी बाईपास उसके नाली पर। क्या लगता है आपको इसी सोसाइटी के, क्या उसकी दुश्मनी कोई कुछ? अभी तक तो मेरे को कुछ दुश्मनी भी है और कुछ उसकी मतलब जो जो कॉल्स पे बात होती थी वो लड़कियों से जो भी है सब मेरे को एक साजिश लग रही है बस। ये लोग मांग कर रहे थे कि साहब इनके साथ न्याय हो, तो ये घटना अभी वर्कआउट होने वाली है और इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ अभियुक्त तो कोई जानकारी हो गई है और जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाए। घटनाक्रम क्या था सर? एक दीपू नाम का व्यक्ति था, उसकी 1 तारीख को गुमशुदगी हो गई थी और उसकी बॉडी नाले में पड़ी मिली है। इसी संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। सर जिस तरीके से जाम लगाया क्या कोई कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? इसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी।